दरिया रावी के तेज रेले में बहकर आने वाले भारतीय शहरी की लाश मिल गई। बलविंदर सिंह भारतीय इलाके रामदास का रिहायशी है। पंजाब सतलज रेंजर्स ने लाश को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे सरफराज खान। जी सरफराज, आपको इस वक्त यहां पर आगाह कर रहे हैं। दरिया रावी के तेज रेले में बहकर आने वाले भारतीय शहरी की लाश मिल गई। बलविंदर सिंह भारतीय इलाके रामदास का रिहायशी है। पंजाब सतलज रेंजर्स ने लाश को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया। हवालगी के ये मनाजिर आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पंजाब सतलज रेंजर्स ने लाश को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया। दरिया रावी के तेज रेले में बहकर आने वाले भारतीय शहरी की लाश मिल गई है। बलविंदर सिंह भारतीय इलाके रामदास का रिहायशी था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजाहिद शेख, आगाह कीजिएगा। की सैलाब रेले में जो है वो पाकिस्तान में पहुंचने के हवाले से जो है उसकी डेड बॉडी जो है 70 साल जो भारतीय शहरी था बलविंदर सिंह वो आज वापस की जाएगी और इस हवाले से जो है वो तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। बलविंदर सिंह जो है वो एक प्लास्टिक के खाली ड्रम की मदद से खुद को पानी में डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो पानी की तेज लहरों की वजह से पाकिस्तान पहुंच गया था। तो इसकी आज जो है वो डेड बॉडी जो है वो वापस जो है वो की जाएगी। जी चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।